पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले हिंसा की घटनाएं तेज होती जा रही हैं। ममता बनर्जी सरकार के मंत्री जाकिर हुसैन पर बुधवार देर शाम बम से हमला हुआ, जिसका वीडियो भी अब सामने आ गया है। ध्यान से देखिए, मंत्री अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ स्टेशन की ओर जा रहे थे। समर्थक उनके पक्ष में नारेबाजी कर रहे थे। इसी दौरान अचानक से तेज धमाका होता है और मौके पर चीख पुकार मच जाती है। वीडियो देखकर ऐसा लगता है कि मंत्री को काफी गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दो अन्य घायलों का भी अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन अब तक हमलावरों की कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। एक बार फिर देखिए मंत्री पर कैसे हुआ बम से हमला। वहीं एक अन्य घटना में बीजेपी के उत्तर कोलकाता के अध्यक्ष शिवाजी सिन्हा पर भी हमला हुआ, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि हमला फूल बागान इलाके में उस समय हुआ जब वो तृणमूल से बीजेपी में शामिल हुए सुवेंदु अधिकारी और शंकुदेव पांडा के साथ वहां पर मौजूद थे। बीजेपी नेताओं ने इस हमले का आरोप तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लगाया है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।